एक मिसाल दी जाती है कि औरत ही औरत का दर्द समझती है, मगर उन्नाव गैंगरेप केस में ऐसा होता नजर नहीं आया। यही वजह है कि रेप केस की जांच कर रही सीबीआई ने उन्नाव में उस दौरान डीएम और एसपी के पद पर तैनात रही तीन महिला अधिकारियों को भी लापरवाही का दोषी माना है। इन तीनों ही अधिकारियों को रेप पीड़िता की शिकायत को दरकिनार करने, मामले को दबाने जैसे आरोपों में दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि ये केस बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा है। सेंगर को पहले ही दोषी पाया जा चुका है और वो जेल में है। जिन तीन महिला अधिकारियों को लापरवाही का दोषी माना गया है वो आईएएस अदिति सिंह, आईपीएस पुष्पांजलि देवी और आईपीएस नेहा पांडे हैं। सीबीआई ने इस मामले में इन अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। दरअसल 2009 बैच की आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह 24 जनवरी और 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक उन्नाव में तैनात थी और इसी दौरान रेप पीड़िता ने कई बार शिकायत की, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अदिति इस वक्त हापुड़ की डीएम है। वहीं 2006 की आईपीएस अधिकारी पुष्पांजलि सिंह भी उन्नाव की एसपी थी। इस पर आरोप है कि इन्होंने पीड़िता की शिकायत तो नहीं सुनी, साथ ही जब कुलदीप सिंह सेंगर की शव पर पीड़िता के पिता को पीटा गया और बाद में मौत हो गई, तो उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, जांच में भी लापरवाही की। पुष्पांजलि वर्तमान में एसपी रेलवे गोरखपुर हैं। 2009 बैच की आईपीएस नेहा पांडे भी उन्नाव में एसपी रही, इन पर भी लापरवाही का आरोप है। ये आजकल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईबी में तैनात है। मामले में सीबीआई जांच काफी दिनों से चल रही थी। इन लोगों के दोषी पाए जाने के बाद अब सरकार फैसला लेगी कि आखिर कब और कैसे विभागीय कार्रवाई की जाएगी।